नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। भीष्म अष्टमी 19 फरवरी को है। प्रतिवर्ष भीष्म अष्टमी माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसे बेहद ही भाग्यशाली दिन माना जाता है, इस कारण लोग इस दिन भीष्म अष्टमी का व्रत रखते हैं। ये तिथि महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया था। आइए जानते हैं भीष्म अष्टमी का मुहूर्त व्रत विधि। माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि प्रारंभ 19 फरवरी शुक्रवार को सुबह 10:58 से माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि समापन 20 फरवरी शनिवार दोपहर 1:31 तक। व्रत विधि। सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें, यदि संभव हो तो घर पर ही स्नान करें। स्नान के बाद हाथ में तिल जल आदि लेकर जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को दाएं कंधे पर लेकर दक्षिणाभिमुखी होकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण के समय इस मंत्र का जाप करें। व्याघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय सर्वदा ब्रह्मचारिणे भीष्म शांतनवो वीरम सत्यवादी जितेंद्रियम आभिर्भिद्रवात पोतु पुत्र पौत्रो चिंता क्रिया। विधि पूर्वक तर्पण करने के बाद पुनः जनेऊ को बाएं कंधे पर ले और गंगा पुत्र भीष्म को अर्घ दे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भीष्म अष्टमी के दिन पितृदोष को समाप्त करने का उत्तम दिन माना जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। जो दंपति संतान विहीन होते हैं उन्हें इस व्रत को करने से लाभ मिलता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन भीष्म पितामह के दिव्य आशीर्वाद से संतान विहीन दंपतियों को अच्छे चरित्र और आज्ञाकारिता संतान की प्राप्ति होती है।